लेंस रे डायग्राम्स बाय कॉन्वेक्स लेंस हम करेंगे आज। इसमें हमने फर्स्ट हमने सारे ब्लैक बोर्ड पर ऑलरेडी इसको पहले तैयार कर लिया, लिख लिया मैंने इसको कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, इमेज कहाँ पर बनेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखी है। बस मैं यहाँ पर इस वीडियो में समझाऊंगी। जैसे फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम लिखते हैं जब वस्तु अनंत पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो जैसे ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, बीचों बीच जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, दो पॉइंट्स F1 to F1 इधर हैं, F2 to F2 इधर हैं। तो जब रेज आती है अनंत से, यानी कि इन्फिनिटी से रेज आती हैं, तो वो जाकर मिलती हैं कॉन्वेक्स लेंस के दूसरी तरफ F2 पर, फोकस पर। तो एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और इमेज बनी है फोकस पर, तो बनेगी कैसी, वास्तविक, उल्टी और बहुत छोटी, यानी कि रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। सेम इसका उल्टा हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड में क्या होता है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, यानी इसका बिल्कुल अपोजिट। याद करना भी इजी हो जाएगा आपको कि इसका हमने अपोजिट करना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F, अब F पे वस्तु रखी हुई है, ऑब्जेक्ट हमारा F पे है, तो इमेजेस जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, जैसे कि दिखाई दे रहा है इसके पैरेलल जाएगी और इमेज हमारी बनेगी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मीन्स बहुत बड़ी, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा इमेज जो है इसका बनेगा एट इन्फिनिटी, वस्तु जो है फोकस पर है। अब ये तो कंडीशन एक दूसरे के अपोजिट थी और इनको याद करना भी आसान रहेगा। इस पर इन्फिनिटी पे वस्तु है तो फोकस पे बना, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बना। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में जब वस्तु 2F1 से परे हो, यानी कि 2F1 से इधर ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, तो इसमें से दो रेज निकलेंगी, एक रेज तो लेंस में से होकर फोकस में से गुजरती हुई आगे चली जाएगी और दूसरी पोल में से गुजरती हुई आगे चली जाएगी, और जहाँ पर ये मिलेंगी वहाँ पर हमारी इमेज हमें प्राप्त होगी। जैसे कि हमें ए डैश बी डैश इस वस्तु की इमेज यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है और ये F2 to F2 से पहले बनी है, यानी कि जब वस्तु जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अवे फ्रॉम 2F1 तो इमेज बनेगी बिफोर 2F2, ये बनी है हमारी, यानी 2F2 से पहले बनेगी। बनेगी कैसी, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज, वास्तविक, उल्टी और बहुत छोटी। तो ये थर्ड कंडीशन थी, हम ऐसे चलते जाएंगे। अब हम 2F2 से परे थे, अब नेक्स्ट में हम 2F1 पर आएंगे, फिर हम इसके बीच में आएंगे, फिर फोकस पर हम आ ही चुके हैं, फिर हम पोल के और F के बीच में आएंगे। तो अभी हम 2F1 से परे थे, अब हम 2F1 पर पहुँचते हैं। ये इमेज जो है, ये लेंस है हमारा और इस यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है 2F1 पर रखा हुआ है, ए बी जो वस्तु का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है। तो वही सेम हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, जब वस्तु 2F1 पर हो तो इमेज वही दो रेज से मिलते दिखाते हैं कि समझना आसान हो। तो इसमें से दो रेज निकलेंगी और जाकर ये मिलेंगी, इसको हम एक को फोकस में से गुजारेंगे, दूसरी हमारी पोल में से गुजरेगी और जहाँ पर ये मिलेगी वहाँ पर हमें इमेज प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो सेम 2F2 पर ही बनी है, साइज भी सेम है बिल्कुल, यही ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है, दोनों का साइज हमारा सेम आया है। तो रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज इमेज हमें प्राप्त होगी, या हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं कि वास्तविक, उल्टा और समान आकार की इमेज हमें प्राप्त होगी। ये हमारी कंडीशन थी। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर फिफ्थ के अंदर हमने देखा है 2F1 और F1 के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1, यानी कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो, यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट ए भी रखी हुई है, वही सेम टू रेज हम दिखाएंगे, निकलेगी और फोकस से गुजरती हुई आगे चली जाएगी और दूसरी बिल्कुल पोल में से गुजरती हुई आगे जाएगी, जहाँ पर ये मिलेंगी हमें इमेज प्राप्त होगी। इसकी इमेज, ये जो हमने थर्ड डायग्राम किया था रे डायग्राम, इसका बिल्कुल अपोजिट ये है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2F1 से परे था तो 2F2 से पहले इमेज बनी थी, यहाँ पर 2F1 से और F1 के बीच में है तो इमेज जो है हमारी 2F2 से परे बनेगी, बियॉन्ड 2F2। तो इमेज हमारी ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1 एंड इमेज इज ऑब्टेंड एट बियॉन्ड 2F2, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1, या ये कह सकते हैं कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच है तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक, उल्टी और बड़ी सिर्फ रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज। अगर बहुत बड़ी बनती तो फिर हम लिखते बहुत बड़ी, सिर्फ बड़ी बन गया थोड़ी सी इससे
इसको हमने बड़ा लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा केस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है 60। यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। ये इसमें हमने वही सेम कॉन्वेक्स लेंस बनाया है और ऑब्जेक्ट को हमने ए बी को रखा है, एफ वन और ओ के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा। वही इसमें से दो रेज निकलेगी, एक फोकस से गुजरेगी, एक पोल से गुजरेगी। लेकिन जैसे ही इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के बाद ये हमें कुछ टू एफ वन से परे एक इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की बनेगी बिल्कुल। अब ये केस जो है इन सबसे डिफरेंट है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल ऑफ लेंस एंड एफ, एफ मीन्स फोकस, जब वस्तु एफ और ओ के बीच में हो तो ये हमारा लेंस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमारी इमेज जो है ये हमारी इमेज प्राप्त हुई है। बिल्कुल अपोजिट सारे केसेस, वहाँ पे हमें वर्चुअल आभासी है, इरेक्ट बिल्कुल सीधी बनी है, उल्टी नहीं है। ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनी जिसको हमने उल्टा बोला था, लेकिन ये जिसके ऊपर ही बन रही है तो इसको हम इरेक्ट बोलेंगे और बड़ी लार्ज, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज हमें प्राप्त होगी। तो इस केस में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, इसको हमें रेज को हमें डैश डैश करके आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वर्चुअल इमेज है, एक्चुअल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे आभासी, सीधा और बड़ा। तो ये हमारे छह केसेस थे रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स लेंस। दो ही अपोजिट थे एक दूसरे के, फोकस के और इन्फिनिटी वाले। फिर हम बस रखते गए, दो एफ से वन से परे रखा, फिर दो एफ वन पर रखा, फिर दो एफ वन और एफ वन के बीच पर रखा, फिर एफ वन पर हम रख ही चुके हैं, फिर हमने एफ वन और ओ के बीच रखा और ये हमारे डायग्राम्स जो हैं ये डायग्राम्स हमें प्राप्त हुए।